देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से देशद्रोह, देश विरोधी नारे और देश को कमजोर करने की साजिश की कोशिश नजर आ रही है। पहले जेएनयू और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहा यह जा रहा है कि जेएनयू की तरह डीयू में भी आजादी के नारे गूंजे, उस पर दो छात्र संगठनों में भिड़ंत हुई और अब एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। ये सारा मामला अब एक ऐसे संवेदनशील मोड़ पर जा पहुंचा है जहां पर एक लड़की एबीवीपी पर तो दूसरी लड़की आयशा पर संगीन आरोप लगा रही है। मगर ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे कोई देश विरोधी ताकत काम कर रही है। इसे लेकर दोपहर 12:30 बजे आयशा का दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्च होने वाला है। NSUI भी आज शाम को कैंडल मार्च निकालने वाली है। DU, JNU, आयशा के साथ कुछ टीचर्स भी खालसा कॉलेज से नॉर्थ कैंपस तक मार्च निकालने वाले हैं। ये तस्वीरें तो हैं ही और इस पर हम आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इससे पहले इस खबर की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता हम आपको बता देते हैं। पहली विश्वसनीयता है खबर की जगह पर रिपोर्टर की मौजूदगी। इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर मौजूद हैं। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको ये बता दें कि खबर सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय। इस खबर में विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई है। चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का, यानी कि इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये वीडियो जी मीडिया ने शूट किया है, इसीलिए आप इस पर यकीन कर सकते हैं। आजादी के नाम पर देश तोड़ने की साजिश। जो अपने बोलने के अधिकार की बात करते हैं उसका सम्मान करते हुए उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भारत का संविधान भारत को तोड़ने की वकालत बोलने के अधिकार में नहीं देता है। आजादी के नारे या शहीदों का अपमान। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कब तक मनमानी। देश की राजधानी दिल्ली में न जाने कौन सी आजादी के लिए संग्राम हो रहा है। क्या आजादी के 70 साल बाद आजादी के नारे लगाने वालों को आखिर कैसी आजादी चाहिए? क्या आजादी के नारे लगाने वाले चंद लोग आजादी के सही मायने जानते भी हैं? शायद नहीं। तभी तो बेमकसद आजादी के नारे लगाकर वतन की खातिर कुर्बान होने वाले हजारों लोगों के बलिदान का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से लेकर सोशल मीडिया तक कथित आजादी के समर्थकों ने मुहिम चला रखी है। आजाद देश में खुलकर रहने और अपने मन की करने वाले कुछ लोग मनमानी पर उतर आए हैं, मगर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उनकी मनमानी नहीं चलेगी और ये बात सरकार ने भी साफ कर दी है। अभिव्यक्ति का आजादी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश को टुकड़ा करने का नारेबाजी लगाएंगे, आप अफजल गुरु को सपोर्ट करेंगे, आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे, ये अभिव्यक्ति का आजादी नहीं होता है। दिल्ली में रामजस कॉलेज में की घटना के बारे में मैंने पुलिस कमिश्नर से स्वयं बातचीत की है और यह मैंने कहा है कि पूरी सावधानी बरती जाए वो, और कहीं पर भी किन्हीं छात्रों के साथ कुछ गड़बड़ी ना हो। इस मुद्दे पर सियासी पार्टियां भी आमने सामने हैं। शहीद की बेटी के समर्थन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुलकर आ गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भय और अत्याचार के खिलाफ हम अपने छात्रों के साथ खड़े हैं। असहिष्णुता और अन्याय के खिलाफ उठी हर आवाज ऐसी ही होगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैंने कहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डू नॉट मीन प्रीचिंग सेपरेशन और एनकरेजिंग सेपरेट फोर्सेस। डिसेंट इज एग्रीबल बट नॉट इज इंटीग्रेशन। अगर उनके आइडियोलॉजी में जो भी कमियां हैं, अगर कोई उसको कमियों को उठा के दिखाता है तो वो सब देशद्रोही होते हैं या देश के खिलाफ करने वाले लोग होते हैं।
सोशल मीडिया पर एक शहीद की बेटी ने पोस्टर के साथ तस्वीर डाली है। आरोप लगाया है कि उसके साथ छेड़खानी की गई। उसका आरोप है कि एबीवीपी के लोग रेप की धमकी दे रहे हैं। इसके जवाब में एक दूसरी लड़की ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। उसका आरोप है कि उसके साथ भी छेड़छाड़ हुई है, रेप की धमकियां मिल रही हैं, मगर ये धमकी आयशा के लोग दे रहे हैं। एक सिंपल सा दिन था, मैं अपने कॉलेज से वापस आई और मुझे पता चला कि मेरी खुद की सहेलियों को फिजिकली असॉल्ट किया गया है रामजस के प्रोटेस्ट पर। फिजिकली मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स एंड माय अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, पीपल दैट आई नो, वर फिजिकली असॉल्टेड एंड वुमेन वर गिवन रेप थ्रेट्स। एबीवीपी और आयशा की झड़प हुई, उसमें जो लेफ्ट के जो स्टूडेंट्स थे, दे स्टार्टेड पुलिंग अस, ऐसे उन्होंने बहुत बुरी तरह लोगों के, हमारी जो छात्राओं से, उनसे बदसलूकी की। पहले उन्होंने गालियां दी, जब हमने बोला चुप हो जाओ, उन्होंने हमारे हाथ पकड़े, उसके बाद मेरा कुर्ता भी फटा, हमारे बहुत सारी कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। इन दोनों लड़कियों का नाम और चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि दोनों का दावा है कि उनके साथ छेड़खानी हुई है, मगर आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर इन दोनों लड़कियों के आरोपों को लेकर किस तरह ऑनलाइन से लेकर DU तक हंगामा मचा है। एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए शहीद की बेटी और DU छात्रा ने फेसबुक पर लिखा, जो पत्थर तुमने फेंके वो हमारे शरीर पर लगे, लेकिन हमारे आदर्शों को जख्मी करने में नाकाम रहे। मेरी प्रोफाइल पिक्चर डर के उत्पीड़न के खिलाफ मेरे विरोध करने का तरीका है, क्योंकि लड़की का आरोप 22 फरवरी के उस हंगामे से प्रेरित है, जिसमें एक बार फिर आजादी के नारे लगाए जाने का दावा किया गया। वो आजादी जिसके नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।